शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। एमके एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आइए साथियों, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल के एक महत्वपूर्ण आदेश का अवलोकन करते हैं जो वीडियो कॉन्फ्रेंस से संबंधित है। इसमें हम सीएम राइस विद्यालयों से संबंधित अपडेट को देखेंगे। 22 अप्रैल 2022 का यह अपडेट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे यह इसकी प्रति समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश को लिखा गया है। समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश, समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी DDO मध्य प्रदेश एवं समस्त नोडल प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय विकासखंड मुख्यालय मध्य प्रदेश को इसकी प्रति भेजी गई है। इसमें हम सीएम राइस वितरण से संबंधित जो जानकारी दी गई है उस पे फोकस डालेंगे। आप देख सकते हैं 27 अप्रैल 2022 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस की सूचना एवं एजेंडा बिंदु, जो 27 अप्रैल 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने वाली है, उसमें सीएम राइस संबंधित जो बिंदु हैं उनको उस वीडियो कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित किया जाएगा। इसमें हम देखेंगे कौन कौन से बिंदु हैं। आप देख सकते हैं सीएम राइस विद्यालयों में रंग रोगन एवं लघु मरम्मत कार्य की प्रगति के संबंध में चर्चा होगी। सीएम राइस विद्यालयों में प्रचार उपप्रचार हेतु लैपटॉप क्रय की समीक्षा होगी। सीएम राइस विद्यालयों में भूमि के सीमांकन अतिक्रमण हटाने की प्रगति पर चर्चा, जहां नई साइट आवंटित हुई है वहां भूमि आवेदन आदेश जारी होने की स्थिति। अगला बिंदु जो शामिल होगा, सीएम राइस योजना के अंतर्गत विद्यालय की बिल्डिंग बनाने हेतु समस्त आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करने की स्थिति आप देख सकते हैं। तो इन बिंदुओं को सीएम राइस विद्यालय के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। साथियों, इसमें कहीं भी जो हमारे शिक्षक साथी हैं उनकी ज्वाइनिंग से संबंधित किसी भी प्रकार के बिंदु को सीएम राइस विद्यालयों के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए एमके एजुकेशन चैनल का जरूर आप अवलोकन करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेगा। धन्यवाद।